धवनी जब की सरकार, जैसे अभी हरियाणा ने निर्णय लिया, ऐसे झारखंड के अंदर ये भ्रष्टाचार की चंडी, सुरक्षा में सेंध लगाने वाली, माफियाओं को प्रश्रय देने वाली, अराजकता को, गुंडागिरी को यहां पर बढ़ाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस का, आरजेडी का जो इंडी गठबंधन है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इन्हें मौका नहीं देना है वर्तमान को संवारने के लिए और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। आवश्यक है कि चुनाव में इनकी छुट्टी कर दो, बाकी काम तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, एनडीए की सरकार आने के बाद स्वयं कर देगी। और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, जब अयोध्या में प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को पूरा करने के बाद मोदी जी के कर कमलों से रामलला 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हुए, तब मोदी जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत। आप इशारा भी समझे होंगे ना, ये शुरुआत है अयोध्या में रामलला की अपने धाम में वापसी। स्वाभाविक रूप से हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं, मथुरा में भी यही इंतजार होने वाला है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, कोडरमा और बैरगट्टा के भी आप सभी श्रद्धालुओं को मैं आमंत्रित करता हूं, काशी में भी, अयोध्या में भी और मथुरा में भी दर्शन करने के लिए पधारिए। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए, छठी मैया का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो।